एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो फायर टेंडर के ऊपर, जो कल मैंने बताया था उसी के ऊपर है, फायर पंप्स और पोर्टेबल पंप्स के बारे में। ठीक है, हम बात करेंगे कि फायर पंप जो है वो एग्जैक्टली क्या वर्क करता है, उसमें कौन सा फोर्स हम यूज़ करते हैं, किस फोर्स प्रेशर जनरेट करने के लिए हम कौन सा पंप उसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके इंजन्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जो वाटर सप्लाई होती है वो कैसे होती है, और फिर उसके बाद बात करेंगे पोर्टेबल पंप्स की, जो कि फायर टेंडर के अंदर ये दोनों चीज़ें रहती हैं, इनके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं कल आपको बता चुकी थी, इसके अंदर रहने वाले सिस्टम्स के बारे में मैंने पंप्स के बारे में भी बताया था कि फायर पंप इसके अंदर रहता है, प्रेशर जनरेट करने के लिए रहता है, पर उसके डिटेल में नहीं बताया था कि प्रेशर जनरेट करने के लिए उसके अंदर कौन सा पंप आप यूज़ करते हैं, है ना, किस तरीके से उसमें प्रेशर जनरेट होता है, कैपेबल कितना वाटर कैपेबल रहता है, और किस तरीके से वो एक्सटिंग्विश करती है फायर को। ठीक है, और पोर्टेबल पंप कैसे होते हैं उनके बारे में भी नहीं बताया था डिटेल में, तो आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इसमें पंप्स प्रोवाइडेड रहते हैं, किसके लिए पंप्स प्रोवाइड रहते हैं, वाटर फ्लो के लिए हायर प्रेशर के साथ। ठीक है, तो स्प्रिंकलर सिस्टम, राइजर्स या हॉस स्टैंड पाइप्स जो रहते हैं उनके अंदर ये प्रेशर जनरेट करके वहाँ तक पहुँचाता है। अब प्रेशर जनरेट करने के लिए कौन से, इसमें डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर भी यूज़ की जाती है। ठीक है, और जो मोटर रहती है वो देखिए, जो फायर पंप रहता है वो कौन सा रहता है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप पंप रहता है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर जनरेट करता है इसमें। ठीक है, ताकि जो भी वाटर है वो ठीक से एक्सटिंग्विश कर पाए उस फायर को। ठीक है, तो फायर पंप का बेसिकली काम यही है कि जो भी वाटर है उसको प्रेशराइज्ड करके ऊपर तक पहुंचाना, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स भी रहती हैं उन तक भी हमें वाटर फ्लो अच्छे से पहुंचाना है, तो हम कैसे पहुंचाएंगे, है ना। अगर हम नॉर्मल मोटर्स अगर यूज़ कर ही लेते हैं तो उनका प्रेशर इतना प्रेशराइज्ड नहीं होगा कि हाई राइज बिल्डिंग तक वो पानी वहाँ तक पहुँच सके, है ना। तो इसलिए हाई राइज प्रेशर के लिए हमको क्या, सेंट्रीफ्यूगल पंप हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले अभी देखिए, अभी इलेक्ट्रिक मोटर्स भी यूज़ की जाती हैं, डीजल पंप्स भी यूज़ किए जाते हैं, हालांकि जो पंप हाउस वगैरह भी रहते हैं उनमें भी डीजल पंप रहते हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आग लगने के बाद इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं रहती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, डीजल पंप यूज़ करते हैं उस जगह पर। ठीक है, तो इस तरीके से डीजल पंप भी यूज़ करे जाते थे और अभी भी करे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आग बुझानी होती है तो इस तरीके से फायर टेंडर के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं कि आप इजीली उस फायर पंप से प्रेशर जो है, प्रेशर जनरेट होगा, उस प्रेशर जनरेट जब होगा उसमें तो आप इजीली आग बुझा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पता चल ही गया फायर पंप कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग जो फायर पंप यूज़ करते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ करते हैं, ताकि आग को अच्छे से हम बुझा सकें। ठीक है, ये तो बात हो गई फायर पंप की कि आप फायर पंप किस तरीके से उसमें यूज़ करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और बताई गई थी कि पोर्टेबल पंप हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि किसी भी, जब हमारे पास लेक ऑफ वाटर हो जाए, पानी की कमी पड़ जाए, तो हम किसी भी आस पास की नदी से, तालाब से या कुएं से पानी ले सकें। तो कैसे लेंगे, ऐसा तो नहीं कि उसमें हॉस पाइप डालने के बाद तुरंत ही प्रेशर जनरेट ऑटोमेटिकली हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं ताकि हम पोर्टेबल जो पंप है उसे ले जाके वहाँ से प्रेशर जनरेट हो जाए और वाटर जो प्रेशराइज्ड होके आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये पोर्टेबल पंप रहता है जो कि आप आसपास के किसी भी तालाब से या किसी भी रिवर से पानी अगर ले रहे होते हैं तो आप इसको यूज़ करके इजीली वाटर जो है सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हॉस पाइप के थ्रू। हॉस पाइप आपका मदद करता है पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, जैसे कि हॉस रील रहता है उसी तरीके से, विदाउट रील का जो पाइप रहता है हॉस पाइप, उसका डायमीटर हॉस रील से ज़्यादा रहता है, उसे बोला जाता है हॉस पाइप। ठीक है, तो हॉस पाइप वहाँ कनेक्ट करके आप इजीली फायर एक्सटिंग्विश कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये दो चीज़ें इसमें सबसे मेन जो थी, फायर पंप और पोर्टेबल पंप, वो यही था कि आग बुझाने के लिए हमें सबसे पहले पानी की ज़रूरत लगेगी, है ना। तो पानी की तो ज़रूरत लगेगी, तो हम पानी आग तक कैसे पहुँचाएँ अभी, है ना। तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि हम कैसे पानी पहुँचाएँगे, कैसे पहुँचेगा पानी हमारे पास है, अब पानी तो है, अब उसे प्रेशराइज्ड कैसे करेंगे, हाई राइज बिल्डिंग तक कैसे पहुँचाएँगे। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं कि आप हाई राइज बिल्डिंग तक कैसे पानी को पहुँचा सकते हैं, है ना। तो इसी इन्हीं सब की हेल्प से आज जो वाटर है वो हाई राइज बिल्डिंग तक भी इजीली पहुंच जाता है, क्योंकि प्रेशर ही इतना क्रिएट हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ करने के बाद। तो इस तरीके की चीज़ें आपको फेस नहीं करनी पड़ती हैं, फायर ब्रिगेड्स में, फायर टेंडर्स में ऑलरेडी ये रहता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज फायर पंप और पोर्टेबल पंप के बारे में बताया कि किस तरीके से ये यूज़ में लिए जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद मैं आपको हॉस रील, हॉस पाइप के बारे में बताऊंगी, उनके फंक्शंस के बारे में। उसके बाद लैडर्स भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि लैडर्स भी यूज़ करी जाती है, विदाउट लैडर्स तो पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है ना। तो फायर टेंडर का भी ये टॉपिक चल रहा है, उसमें आज मैंने आपको फायर पंप और पोर्टेबल पंप के बारे में बताया। सो थैंक यू।